लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। क्या सच में आशा पारिक ने शम्मी कपूर से की थी शादी? मेरे सब चाहने वाले मुझे सोना कहते हैं। मैं आपके चाहने वाले में नहीं। अच्छा चलिए। खुद इस इंटरव्यू में किया खुलासा। और क्यों, जब आशा पारिक का सर फिरे फैन से पड़ा था पाला। शादी के लिए एक महीने तक एक्ट्रेस के घर के बाहर दिया था धरना साथ में। इस शख्स की वजह से ता उम्र कुमारी रही आशा पारिक। अभिनेत्री को सफल बनाने में था बहुत बड़ा हाथ। तेरी ये हिम्मत मां जी, चेक पे चेक साइन किए जा रही हैं आप, कुछ तो सोच समझ के पैसे निकालिए। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी को सुनने के लिए बने रहें हमारे इस वीडियो के अंत तक। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैं हूँ आपका दोस्त सुधा नंदन और आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। दोस्तों 60-70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री आशा पारिक, जिन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है, उनकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दीवानों से ये मत पूछो। हालांकि उनके चाहने वालों के जहन में एक सवाल उठता है कि उन्होंने आखिर शादी क्यों नहीं की। हालांकि जब अभिनेत्री ने बताया उनकी शादी हुई थी, वो भी शम्मी कपूर के साथ। 2 अक्टूबर 1942 में जन्मी आशा पारिक हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हर पिया, हर यहां, हर पिया। वह बचपन से ही सिनेमा में काम कर रही हैं। उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म माँ में काम किया था जब महज उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी। दिग्गज अभिनेत्री की फिल्मों में उनकी अदायगी के साथ साथ उनकी खूबसूरत आंखें उस दौर में दर्शकों को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। मेरे लिए तुम, सिर्फ तुम हो, तुम। साल 1959 में उन्होंने फिल्म दिल दे के देखो में युवा अभिनेत्री के तौर पर अपनी शुरुआत की थी। बतौर अभिनेत्री सक्सेसफुल तो वह रही ही, लेकिन उनके साथ साथ वह बेहद खूबसूरत भी थीं। उनके फैंस ये हमेशा से ही जानना चाहते थे कि एक्ट्रेस ने शादी क्यों नहीं की। अब खुद दिग्गज अभिनेत्री ने यह खुलासा किया है कि उनकी शादी हो चुकी है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि उस जमाने के मशहूर सुपरस्टार शम्मी कपूर साहब से। जी हाँ, ये पूरा माजरा चलिए जानते हैं आखिर है क्या। क्या आशा पारिक शम्मी कपूर की सच में हुई थी शादी? आशा पारिक ने अपनी पहली फिल्म दिल दे के देखो में अभिनेता शम्मी कपूर के साथ काम किया था। नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने नीता और शम्मी कपूर ने राजा का किरदार निभाया था। कहता है क्या जमाना? हाल ही में जब अरबाज खान के शो द इंसिबल सीजन 2 में खास मेहमान बनकर आईं, आशा पारिक ने अपने दिल के कई राज खोले। इस दौरान जब अभिनेत्री से अरबाज खान ने उनकी और शम्मी कपूर के लंबे समय तक उड़ी शादी की अफवाहों के बारे में पूछा तो अभिनेत्री ने तपाक से जवाब देते हुए कहा, हाँ हमने शादी की थी। हालांकि उन्होंने ये बात काफी हंसकर और मजाकिया अंदाज में कही। आशा पारिक और शम्मी कपूर ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। दिल दे के देखो के अलावा दोनों ने साथ में तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम, पगला कहीं का जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। दोनों की जोड़ी ने पर्दे पर अपने फैंस का खूब मनोरंजन किया। बोला ना पाओगे हो तुम मुझे। एक्टर्स की निजी जिंदगी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि आशा पारिक, जिन्होंने निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, वह अपना दिल सच में उन पर हार बैठी थी। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक दिग्गज अभिनेत्री ने इस बात को माना था कि एकमात्र नासिर हुसैन ही थे जिनके लिए उनके मन में भरपूर प्यार था। हालांकि वह पहले से शादीशुदा थे,
जिनके कारण एक्ट्रेस ने कभी भी अपने प्यार का इजहार तो नहीं किया, लेकिन यह निर्णय जरूर लिया कि वह कभी शादी नहीं करेंगे। ऐसे ही एक फैन से दिग्गज अभिनेत्री आशा पारिक का भी पाला पड़ चुका है। आशा पारिक ने बताया कि उनसे शादी करने के लिए एक चाइनीज शख्स ने उनके घर के बाहर महीने भर धरना भी दिया था। आइए इस मामले को विस्तार से जानते हैं। फैंस और सेलेब्स के बीच की घटनाएं अक्सर चर्चा का विषय बनती आई हैं। ऐसा ही कुछ हुआ पारिक जी के साथ, जिसे जानकर यकीनन तौर पर आपको हैरानी होगी। कुछ सालों पहले अभिनेत्री आशा पारिक ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में शिरकत की थी। इस दौरान आशा पारिक के साथ उनके दौर के लीजेंड अदाकारा वहीदा रहमान भी शामिल थीं। इस बीच कपिल के शो पर आशा ने अपने एक सिरफिरे फैन का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया, जब मैं एक्टिंग लाइन में एक्टिव थी तो उस दौरान मेरा पाला एक अजीब किस्म के फैन से पड़ा था। वह चीनी आदमी था और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दीवाना था। हर रोज वह मेरे घर के बाहर आता था और उसे जब मना किया जाता तो वह बोलता था कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा और मुझे आशा जी से शादी करनी है। दिन प्रतिदिन बीतते गए और उनका वही सिलसिला चलता रहा। अपनी बात को आगे जारी रखते हुए आशा पारिक ने कहा, उस आदमी ने मेरे घर के बाहर गद्दा वगैरह डालकर अपना डेरा डाल दिया था और हर रोज वहां कभी कुछ ना कुछ बनाकर खाता रहता था। उसकी नजरों से बचने के लिए छिप छिपाकर शूट पर जाया करती थी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मैंने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और इस चीनी व्यक्ति को पकड़कर ले गई। और हैरानी की बात तो यह रही, उस आदमी ने जेल से भी मुझे लेटर लिखे और कहता था कि उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, आशा जी कृपया मुझे बचा लो। इस तरह से आशा जी ने अपने फैंस को लेकर दिलचस्प किस्सा सुनाया। आशा पारिक को नासिर हुसैन से प्यार हो गया था और दोनों का इश्क उस वक्त खूब चर्चा में भी रहा, मगर बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। दरअसल नासिर पहले से ही शादीशुदा थे, ऐसे में आशा नासिर का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। आशा ने अपना प्यार ता उम्र निभाया और कभी शादी नहीं की। भले ही आशा पारिक और नासिर हुसैन का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में दोनों एक साथ जुड़े रहे। उन्होंने साथ मिलकर एक दो नहीं मिलकर सात सात फिल्में की। उनकी फिल्मों में प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूं, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां शामिल है। दोनों की आखिरी फिल्म फिल्म मंजिल जो 1984 में आई थी। उम्मीद है कि आपको यह हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। अब तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लिया होगा। धन्यवाद, आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तो देखते रहें हमारा चैनल लेमन चूस कैंडी।